तो जैसा मैंने कहा था कि इस मूवी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार वीडियो बनाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा एस्केप रूम मूवी के बारे में। ये मूवी जो है वो 2019 में आई थी और तकरीबन 1.5 घंटे लंबी ये मूवी है। और अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों को चुना जाता है, उन्हें इनाम जीतने के लिए चुना जाता है कि $10,000 का इनाम है। अगर उन्हें वो इनाम जीतना है तो एक रूम से उन्हें बाहर आना होगा और इसी रूम का नाम रखा गया एस्केप रूम। इस रूम से बाहर निकलने के लिए इनके पास कोई भी चाबी नहीं है, बल्कि इनके पास क्लूज वहां पर दिए गए। उन क्लू की हेल्प से इनको बाहर आना होता है। और जब ये बाहर आते हैं तो एक दूसरे एक अलग रूम में पहुंचते हैं, वो भी उसी रूम से इनको फिर से बाहर आना होता है। तो इस तरीके से ये गेम का लेवल चलता रहता है। अगर वो बाहर नहीं आए तो ये मर जाएंगे। मरेंगे कैसे? कोई जलकर मरेगा, कोई बर्फ में बर्फ बनकर मर जाएगा, या फिर कोई किसी जगह में गिरकर मर जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर दिखाया गया। और जो लोग इसमें सिलेक्ट किए गए वो रेंडमली सिलेक्ट किए गए हैं, लेकिन जो ये गेम मास्टर है, जो इस गेम को चला रहा है, उसको अच्छे से इन लोगों के बारे में पता है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता है, उनके डर के बारे में पता है। अब मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो ये लोग सिलेक्ट हुए, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये मूवी में थोड़ा बहुत देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये जितने भी लोग इसमें सिलेक्ट हुए वो किसी ना किसी इंसिडेंट से गुजरे हुए, उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए। जैसे कि किसी का कार का एक्सीडेंट हुआ तो अकेला वही बचा, उसके सारे के सारे दोस्त मर गए। कोई प्लेन क्रैश में जहाँ वो उसमें से बचा हुआ था, कोई बम विस्फोट हुआ तो वो उसमें से बचा हुआ था। तो गेम मास्टर का पर्पस यही था, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि उसके मास्टर का ये पर्पस यही था कि वो उनके लक को चेक करना चाह रहा था कि अगर तुम वहां से बचे हुए थे तो यहां पर तुम्हारे बचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये मेरा ओपिनियन है, शायद आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो अपनी राय लिख देना कमेंट बॉक्स में। देखो इस मूवी में जिस तरीके के टास्क दिखाए गए, जैसे इनके मरने वाली जो चीजें दिखाई गई कि जल कर कोई बर्फ में दबकर, तो ऐसी जो चीजें दिखाई गई तो मुझे लगा कि यार इसके अंदर वॉयलेंस बहुत ज्यादा होगा, और बट उतना वॉयलेंस के अंदर नहीं था जितना होना चाहिए था, जितना मैंने इसके बारे में सोचा था। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लोग नहीं मरते हैं, मरते हैं, लेकिन उसमें ऐसा दिखाया नहीं जाता कि उनकी डेथ कैसे हो रही है बहुत भयानक तरीके से। ऐसा नहीं है, ठीक है वो मर गया, बस बात वहीं पर खत्म, मूवी आगे बढ़ जाती है। और इस तरीके की मूवीज में देखो, मैंने कहा जैसा मैंने एक मूवी देखी हुई है, 100 मूवी मैंने देखी हुई है, तो उसके अंदर भी ऐसा ही लगभग कॉन्सेप्ट सेम चलता है कि उसके अंदर भी इंसान को अपनी जान बचाने के लिए निकलना होता है, जिसमें उसमें क्लू छुपे हुए होते हैं, उस क्लू को निकाल कर उसको अपने आप को बचाना होता है, लेकिन उसके अंदर डेथ बहुत भयानक दिखाते हैं। वैसा मैंने मुझे लगा कि यार इस मूवी के अंदर भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। और जब ये मूवी खत्म होती है तो इसके एंडिंग में दिखाया जाता है सेकंड मूवी की शुरुआत को, मतलब कि जो ये मूवी आने वाली है सेकंड मूवी एस्केप रूम टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस 2021 यानी इसी साल आने वाली है, तो उसकी शुरुआत इस फर्स्ट मूवी के एंडिंग में दिखा दी जाती है। आई होप सो इसके जो सेकंड मूवी है उसके अंदर इस गेम मास्टर के बारे में हमें पता चल जाएगा वो गेम, ये जो गेम है वो कौन चला रहा है। और जो इस मूवी में देखो क्लू जो दिखाए गए, जिस तरीके से ये लोग बाहर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम उनसे रिलेट कर पाते हैं, लगता है कि हाँ ये चीज जो है वो लॉजिकल है, लेकिन कुछ जगह पर वो चीज लॉजिकल नहीं लगती है। हमें लगता है कि यार ये चीज इनको पहले से पता है, फिक्स है, जो सीधे जो इस रूम में और सीधे के सीधे उसी क्लू की तरफ वो भाग गए। तो ऐसा मुझे लगा इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर एक जहरीली गैस वाला एक पार्ट आता है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, बस अपनी एक बात रख रहा हूं, ये वैसे भी कोई स्पॉइलर नहीं है। तो उस जहरीली गैस वाले पार्ट में मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो है सीधे के सीधे उस जगह भाग गए जहां पर इनको क्लू मिलने वाला था, तो ऐसी मुझे फीलिंग आई। और अब बात करते हैं इसके अंदर हिंदी डबिंग की। देखो हिंदी डबिंग मुझे इसके अंदर डिसेंट लगी, इसके अंदर कोई एडल्ट सीन नहीं है, ज्यादा इसके अंदर वॉयलेंस नहीं है, तो ये अब आप लोग अपने रिस्क पे देख लेना। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर आप लोगों को कोई ऐसी मूवी हल्की फुल्की वॉयलेंस वाली इस तरीके की मूवी देखनी है, अगर आप 100 मूवी को देखना नहीं चाहते उसके अंदर तो बहुत ज्यादा भयानक है, बहुत ज्यादा उसमें वॉयलेंस है, वैसी कोई मूवी नहीं देखना चाहते, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।